सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताना है कि जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है उसको आप डार्क मोड में कैसे ला सकते हैं। तो जो आपका मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल मेरे पास है रियलमी 2 मोबाइल, तो मैं इसकी जो डार्क मोड है वो कैसे कर सकता हूँ इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डार्क मोड से हमें फ़ायदा होता है कि जब हम रात को अपने मोबाइल को यूज करते हैं तो जो हमारे मोबाइल की लाइटिंग है वो काफ़ी तेज रोशनी होती है उनकी, तो हम किसी भी अपने एंड्रॉयड ऐप को डार्क मोड में ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर जाके करके दिखाता हूँ। तो गाइज, हमारे YouTube चैनल को ए टेक्निक बी को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताना। तो चलते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल की तरफ। तो गाइज, हम अपने एंड्रॉइड मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको नीचे जाना है, रियलमी लैब में आपको रियलमी लैब ओपन कर देना है। इसको आप यहाँ से ऑन कर देते हैं, अनेबल अनेबल लाओ आप। इसको अनेबल करने के बाद ये हमारा मोबाइल है डार्क थीम में हो चुका है, अब आप देख सकते हो। और इसमें मैं ये और बताऊंगा ये और बता देता हूँ कि आप किसी भी मोबाइल ऐप को डार्क थीम में कर सकते हैं। जैसे मैं अब फ़िलहाल जाता हूँ अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से रियलमी लैब ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये आपको दिख रहा होगा, डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी एप्स। तो आपको टैप करना। टैप करने के बाद आप देख सकते हो गाइज, मैंने कुछ ऐप ऐसे हैं जो डार्क थीम में कर रखे हैं, जैसे अवसर ऐप है, बनी ऐप है और काफ़ी सारे ऐप है, यूट्यूब भी है। तो गाइज, मैं आपको जैसे मैं और करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे वीडमेट है ये भी कर रखा है मैंने। तो गाइज देखिए, हम अपने यूट्यूब को ओपन करके दिखाते हैं और दिखाते हैं डार्क थीम कितना अच्छा लगता है। तो गाइज देखिए, हमने अपना यूट्यूब ऐप ओपन किया, अब डार्क थीम में खुल गया है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और तो गाइज, जैसे आप भी अपने एंड्रॉइड मोबाइल को कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल को आप डार्क मोड में कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप मैंने आपको बता ही दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ए टेक्निक बी, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं ताकि मुझे भी पता लगे कि मुझे मेरी वीडियो कैसी है। तो थैंक यू।